वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2009 में आई गुनाह मूवी के बारे में बात करेंगे। वेल, ये एक ब्रिटिश कैनिबल हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था जॉर्ज मेंड्री ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही इंटेंस सीन को दिखा कर होती है जिसमें हम सभी ही पहले कुछ बेसिक हाइलाइट्स को देख पाते हैं जो कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि लगभग कि ऑलमोस्ट यूके यानी कि इंग्लैंड में तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल किसी न किसी तरीके से मिसिंग होते थे। फिर वो मैटर नहीं करता हूँ कि वो पर्टिकुलर मिसिंग लोग इस तरीके से गायब होते थे, बट इतना जरूर था कि वो लोग दोबारा रिपोर्ट करवाने के बाद भी एंड ऑब्वियसली ढूंढने के बाद भी दोबारा कभी नहीं मिलते थे। तो अब सवाल गया है कि आखिर में वो मिसिंग लोग जाते कहाँ पर थे। तो आइए इस बारे में देखकर अच्छे से पता करते हैं। तो बस सब सीन डायरेक्टली यहाँ से चेंज होकर एक बड़े ही वियर्ड से घने से जंगल के अंदर फोकस होता है जिसमें हम सभी ही इस जंगल के अंदर किसी सोफी नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि ये बहुत ही बुरी तरीके से डर कर किसी इंसान से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। वेल, वो कौन सा इंसान है जिससे सोफी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, तो इस बारे में आप सभी को अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। सो बाय द वे, सोफी जो कि भागते भागते अंदर से ऑब्वियसली काफी ज्यादा थक चुकी थी जिसके चलते वो एकदम से भागते हुए जमीन पे ही गिर जाती है और बस दोबारा खड़ी होकर उठने की कोशिशें करती तो तभी ही अचानक से ठीक इसके पीछे बेसिकली एक जीप के अंदर कोई आदमी जिसका चेहरा हम फिलहाल के लिए अभी के लिए देख नहीं सकते बट आगे डेफिनेटली देखेंगे, वो एकदम से अपनी जीप से निकल अपने हाथों में एक बड़ा सा स्प्लैटर ले सीधा भागते हुए सोफी के पास जा हाथ में पकड़े हुए उस स्प्लैटर की मदद से बड़े ही बेरहमी से सोफी के पीठ के अंदर उसको घुसा घिसड़ते हुए पास में ही मौजूद अपने केबिन के अंदर ला उसके हाथ पैर को बांध होस्टेस बनाकर वियर्ड पोजीशन में टेबल पे लेटा ये क्रीपी मास्क वाला बंदा। सोफी को वैसे होस्टेस बनाने के बाद उसकी बॉडी को वियर्ड तरीके से टच कर एक काइंड ऑफ उसके प्राइवेट पार्ट में अपने हाथों को अंदर डाल ऑर्गेजम देने की कोशिश करता है। तो अब काफी देर तक ऐसे ऑर्गेजम देने के बाद अब ये क्रीपी आदमी अचानक से खड़ा हो सोफी की बॉडी पे जितने भी कपड़े थे खींच कर उनको फाड़ ऊपर से लेके नीचे तक कम्प्लीटली अच्छे तरीके से नेकेड कर अब सबसे पहले गैस पे एक खाना बनाने वाले बर्तन को रख उसके नीचे आग लगा अच्छे से गर्म कर अपने हाथों में ब्लैक कलर के प्लास्टिक वाले ग्लव्स पहन अब ठीक पास में ही पड़े एक बड़े से चक्कू को ले सीधे उस चक्कू की मदद से बिना कुछ सोचे समझे सोफी के पेट को भरे में सोच से फाड़ अंदर निकले हुए मांस को गैस पर रखे एक बर्तन में पकाने के लिए डाल देता है। वेल, अब वो कृपी आदमी सोफी के मांस से आखिर में क्या पकाने वाला है, तो इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द मूवी में आगे चलकर अच्छे से अपने आप ही पता चल जाएगा। तो बस सब सीन उसे क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर और कई नहीं बल्कि ये नहीं 3-4 कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है जिन सभी के ही नाम माइकल उसकी गर्लफ्रेंड मैगन जैक एंड जेनिफर को देख पाते हैं। वेल, ये सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये सभी ही लोग मिलकर अपनी विंटर वेकेशन की छुट्टियों को बनाने के लिए तकरीबन एक हफ्ते के लिए डाउनटाउन से बाहर जाकर सिटी से बाहर जाकर कार्डिफ शहर के ही एक लोकल जो कि कैपिटल ऑफ वेल्स इंग्लैंड की एक सिटी थी उसके एक काउंटी में मौजूद जहाँ पर कोई ब्लैक रेडिफ नाम का बेसिकली कोई फार्म हाउस था जिसको जैक ने अपने सभी ही दोस्तों के लिए इस विंटर की ट्रिप के दौरान 3-4 दिनों के लिए बुक कराया था उसमें जा रहे होते हैं ताकि ये सभी ही उस फार्म हाउस में रहकर अपने वेकेशन का एक वेल क्वालिटी टाइम एक साथ रहकर एक्सपेंड कर सके जो कि देखने में और सुनने में किसी भी ब्रिटिशर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बस अब फाइनली कई घंटों की ड्राइविंग के बाद ये सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स जैसे तैसे ब्लैक रेडिफ के फार्म हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अब स्टोरी के सेकंड हाफ में सब कुछ इतना अच्छा देखने के बाद एंड ऑब्वियसली सुनने के बाद अब आखिर में स्टोरी लाइन के अंदर दिक्कत कहां पर आती है ताकि इंटेंसिटी बने। तो वेल, दिक्कत और कहीं नहीं बल्कि अभी हमारे ठीक सामने दिख रहे हैं शॉकिंगली केबिन के अंदर ही होती है। वेल, अब वो कैसे, तो आइए इस बारे में देख कर अच्छे से समझते हैं। अब जैसा कि आप सभी को याद हो कि हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में किसी सोफी नाम की लड़की को बड़े ही बेरहमी से एक मास्क वाले आदमी के थ्रू जो कि वो उसको घिसड़ कर एक केबिन
केबिन के अंदर लेकर गया था, जहाँ पर उसने सोफे के पैड को भेरे में से फाड़कर जान से मारा था। तो वह केबिन दरअसल यही केबिन होता है, आई मीन ब्लैक रेटिफी होता है, जहाँ पर जैक और उसके सभी ही दोस्त छुट्टियां बनाने के लिए आए थे, जो कि ये सभी ही स्टूडेंट्स। अब जाहिर से ही बात थी, सोफी एंड उसे क्रीपी मास्क वाले आदमी के इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान थे। बट स्टिल आप सभी के मन में अभी भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर में उस आदमी ने सोफी के पेट को फाड़कर उसके बॉडी की मीट से, आई मीन उसके इंटरनल बॉडी पार्ट से गैस पर रखकर क्या बनाया था। तो वेल, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि अच्छे से रेलेवेंटली दिखाऊंगा, क्योंकि तभी ही तो आप स्टोरी को रिलेट कर पाओगे। तो बस अब इसी ही इंटेंशन के साथ उन सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के केबिन के अंदर आते ही, जहाँ पर वो बस अपने अपने रूम को ही चेकआउट कर रहे थे, तो तभी ही उसी ही वक्त इन सभी को हॉलवे के पास रखी एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बेसिकली बहुत सारा खाना पड़ा हुआ दिखता है, जो कि इन सभी ही स्टूडेंट्स के लिए ही था। एंड इसे बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि इसे खाने को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि केबिन के ओनर मिस रोजी होती है, जो कि ये सरप्राइजली उसे ही मास्क वाले आदमी की ही माँ होती है, जो कि ये इस केबिन की एक काइंड ऑफ ओनर थी। सो बाय द वे, जैक और उसके बाकी सभी ही फ्रेंड्स वो टेबल पे पड़े हुए इसे खाने को देख बिना कुछ सोचे समझे इतने घंटे की ड्राइविंग के बाद भूख के मारे, जैसा कि हम सभी देख ही सकते हैं, मिस रोजी के हाथ से बनाए इस खाने को खाना शुरू कर देते हैं। तो अब इस खाने को खाते वक्त जेनिफर, जिसके मुंह में अचानक से इसे इंसान का बाल आ गया था और साथ ही साथ एक टूटा हुआ नाखून भी, एक सामने ही प्लेट में रखे पुडिंग के अंदर शॉकिंगली फंसा हुआ था, जो कि प्रोबेबली वो बाल और नाखून किसी लड़की के ही थे। तो बस अब इसी ही अनएक्सपेक्टिंग चीज को देख जेनिफर वो अपने आप पे कंट्रोल ना रखते हुए सीधे खाने के टेबल से उठ बाहर जाकर उल्टी करने के लिए चली जाती है। तो अब बाहर आते ही जेनिफर एक फार्म के पास से खड़ी होकर उल्टी ही कर रही थी, तो तभी ही उसे ही वक्त हम सभी पीछे बनी हुई झाड़ियों के अंदर उसे ही क्रीपी से मास्क पहने हुए आदमी को देख पाते हैं, जिसने मूवी की स्टार्टिंग में सोफी को बड़े ही बहरे में से मारा था। तो समहाउ अब वो आदमी अपने ठीक सामने जेनिफर को ऐसा उल्टी करता थे, बड़ी ही चालाकी से उसके पीछे जा बिना किसी के भनक पड़े जेनिफर को अपने कंधे पर उठा पास ही में ही बने हुए सीधा एक पिग फार्म के अंदर लेकर आ जाता है। तो अब जेनिफर को पिग फार्म के अंदर लाते ही वो आदमी सबसे पहले एक एक कर उसके कपड़े फाड़ ऊपर से लेकर नीचे तक कम्प्लीटली नंगा कर अपने हाथों की मदद से उसके इंटायर बॉडी पर किसी तरीके का सॉस लगा। तो अब सॉस लगाने के बाद ये आदमी जेनिफर को उठाकर एक ट्रे पे लेटा अपने बिल्कुल ही पास में ही रखी हुई एक बड़ी सी चिंसो को ले सीधे उसे चिंसो की मदद से बिना कुछ सोचे समझे जेनिफर की बॉडी को बुरी तरीके से फाड़ छोटे छोटे टुकड़े कर ओवन के अंदर डाल देता है रोस्ट करके पकाने के लिए। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल, जेनिफर कैसे मरते ही केबिन के अंदर बैठे उसके सभी ही दोस्त माइकल, जैक एंड मैगन के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये सभी ही उस बाल वाले इंसिडेंट को ज्यादा सीरियस न लेते हुए स्टिल खाना ही खा रहे थे। तो तभी ही खाना खाते वक्त मैगन को अचानक से रियलाइज होता है कि जेनिफर को इस केबिन से गए हुए तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका था, जो कि यूजुअली उल्टी करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बस अब उसी ही बात को एडमायर कर ये अपने ठीक सामने बैठे माइकल को जेनिफर को लाने के लिए इसको कहती है। तो अब ठीक सामने बैठा माइकल वो मैगन की इन बातों को सुन तुरंत ही उठकर इसको ढूंढने के लिए केबिन से बाहर चले जाता है। तो अब केबिन के बाहर आते ही माइकल बस आसपास के एरिया में जेनिफर को ही ढूंढ रहा था, बट इसको दूर दूर तक कहीं पर भी जेनिफर दिखाई देने को नहीं मिलती। तो बस अब उसी ही ट्रिकी सिचुएशन को देख माइकल वो केबिन के अंदर जाकर अपने दोस्तों को इस मैटर के बारे में बताने के लिए ही जा रहा था, तो तभी ही इसको उसी ही वक्त अपने बिल्कुल ही पास में ही बने हुए एक पिग फार्म के अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज इसको सुनाई देती है। तो जिसे सुनते ही ये इमीडिएटली बस उस पिग फार्म के अंदर ही जाता है, तो तभी ही इसको ठीक अपने सामने की तरफ एक होश उड़ा देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है कि वही क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी जेनिफर की बॉडी के टुकड़े कर पकाने के लिए ओवन के अंदर डाल रहा था। तो अब इसे बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सीन को देख माइकल वो इधर से भागकर जैक और मैगन को इस बारे में बताने के लिए ही जाता, तो तभी ही उससे पहले वो क्रीपी मास्क वाला आदमी माइकल के सर के बालों को खींच के पकड़ बुरी तरीके से घिसड़ते हुए अंदर ला, इसके हाथ पैरों इनफैक्ट इसके गर्दन को एक ही झटके में खींच के तोड़ बड़े से बारबेक्यू ग्राइंडर में बहरे में इसे पीसने के लिए उसमें डाल देता है, ताकि ये क्रीपी आदमी बर्गर के साथ माइकल की मीट की पेटी बना सके। तो अब माइकल और जेनिफर कैसे मरते ही सीन एक बार फिर से चेंज होकर केबिन के अंदर ही जैक एंड मैगन के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये दोनों माइकल एंड जेनिफर को इतनी देर से इधर से जाता हुआ देख बस अब उन्हीं के बारे में ही पता करने के लिए जैक वो फिलहाल के लिए मैगन को अंदर ही बैठे रहने के लिए कहता है और खुद अकेला जाकर जेनिफर और माइकल को ढूंढने के लिए चले जाता है।
तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में जैक वो बाहर आकर फार्म हाउस के एरिया में अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए ही जा रहा था, लेकिन तभी ही उससे पहले ठीक इसके सामने वही क्रीपी मास्क पहना वो आदमी आ जाता है जिसने अभी कुछ ही देर पहले जेनिफर एंड माइकल को मारा था। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए वो आदमी एकदम से जैक की तरफ भाग उसके सर को पकड़ जमीन पे कस के बुरी तरीके से मार बिल्कुल ही उसको अधमरा कर उसे ही पिग फार्म के अंदर लेकर आ जैक की बॉडी की सारी हड्डियों को तोड़ बहरे में से कचुम्बर कर ओवन के अंदर उसको पकाने के लिए सैम जेनिफर की तरह ही जैसे तैसे घुसा कर तोड़ मड़ोड़ कर अंदर डाल देता है। तो अब जैक माइकल एंड जेनिफर के इतने बुरी तरीके से मरते ही सीन वन लास्ट टाइम चेंज होकर मैगन के ऊपर ही फोकस करता है जहाँ पर ये अपने सभी ही दोस्तों को एक एक कर ऐसे जाता हुआ थे। अब इस वियर्ड मैटर के बारे में अकेले से कुछ करती ही तो तभी ही उसे ये वक्त इसको किचन की तरफ से मिस रोजी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिन्होंने खाना बनाते वक्त अपना हाथ गलती से चक्कू से काट लिया होता है। तो नॉर्मली उसी ही चीज को देखते हुए मैगन किचन के अंदर जाकर मिस रोजी को बैंडेज वगैरह ही देती तो तभी ही इसको ठीक अपने सामने की तरफ एक बहुत ही शॉकिंग सीन दिखाई देने को मिलता है कि जैसे खाने को अब तक मैगन और उसके सभी ही दोस्त बड़े ही चाव से खा रहे थे जो हमने डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ देखा था वो दरअसल इंसान के मांस से ही बना हुआ होता है। बिकॉज अभी इस समय किचन के अंदर बेसिकली फ्रिज में कांच की बोतलों के अंदर पैक एंड शॉकिंगली प्लेटों में अपर एंड लोअर स्टोरेज सेक्शन के अंदर इंसानों के कटे हुए हाथ पैर रखे हुए होते हैं जिनको वही कृपी मास्क वाला आदमी अपनी मम रोजी को ला लाकर देता था। एंड वो पुडिंग जिसको जेनिफर ने खाई थी जिसको खाते ही उसके मुंह के अंदर से किसी लड़की का बाल निकला था तो दरअसल वो पुडिंग भी सोफी की बॉडी की मिट से ही बनी हुई होती है। तो बस अब इस क्रिपी इंसिडेंट को देख मैगन वो डर के मारे इस केबिन से बाहर जाने की कोशिश करती बट तभी ही उससे पहले रोजी अपने हाथों में एक बड़ा सा मीट चॉपर ले सीधे उसकी मदद से मैगन के सर के बीचों बीच मार सर के ही दो टुकड़े कर बहरे में से मार डालती है। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी माइकल मैगन जेनिफर एंड जैक कैसे मरते ही बड़े ही अनरियलिस्टिक तरीके से ही किधर ही एंड हो जाती है। तो वेल दोस्तों यही थी गुनाह मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।